सत्ता दल के विधायक है तो क्या गोली मारेंगे? सत्ता दल के विधायक है तो क्या थाने में फायरिंग करेंगे? आपको ये करने की छूट किसने दी? आपको ये करने की हिम्मत किसने दी? एक दो नहीं, पुलिस वाले के सामने 6 राउंड गोलियां चला दी। तब भी नहीं रुके, उसे पीटने भी लगे। वो तो अच्छा है सीसीटीवी फुटेज है जो आपकी पूरी पिक्चर दिखा रहा है, वरना सत्ता का धौंस और विधायकी की गर्मी दिखा के आप क्या क्या नहीं कर लेते। महाराष्ट्र की बीजेपी प्रणीति एडे की सरकार जो है उसका गुंडा राज का एक प्रमाण है, और राज्य में गुंडा राज की शुरुआत हो गई है, कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और उसके लिए होम मिनिस्टर ही जवाबदार है। कहानी है महाराष्ट्र के उल्लासनगर से बीजेपी के उस विधायक की जिसका नाम गणपत गायकवाड़ है, और जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी इन्हीं विधायक साहब का है, जिसमें ये बात करते करते एकाएक उठते हैं और मेज पर रखी अपनी पिस्तौल से गोलियां दागने लगते हैं। गोलियां भी ऐसे चला रहे हैं जैसे किसी की जान जानना हुई बच्चों का खिलौना हो गई। अब इन विधायक साहब का थोड़ा इतिहास भी आप जान लीजिए। गणपत गायकवाड़ ठाणे जिले में आने वाली कल्याण लोकसभा की कल्याण ईस्ट से बीजेपी के विधायक हैं। इनका पूरा नाम गणपत कालू गायकवाड़ है। इन्होंने 2009 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कल्याण ईस्ट सीट से चुनाव जीता था। तब इन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार को हराया था। गणपत गायकवाड़ 2014 में भी निर्दलीय जीते। इसके बाद वह 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत की हैट्रिक भी बना ली। गणपत गायकवाड़ अपने क्षेत्र में जितने लोकप्रिय है उतने ही उनके ऊपर आपराधिक केस भी दर्ज है। 2019 के हलफनामे में उन्होंने खुद के खिलाफ 18 आपराधिक मामले होने की जानकारी दी थी। गायकवाड़ एक बड़े उद्यमी हैं और उनका बेटा वैभव बीजेपी में कल्याण जिला युवा अध्यक्ष के पद पर है। गणपत गायकवाड़ के महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस, दोनों से बहुत अच्छे संबंध है, जबकि उसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पुत्र से उतनी ही ज्यादा तल्खी है। और ये तल्खी का ही नतीजा है कि गणपत गायकवाड़ ने थाने के भीतर महेश गायकवाड़ पर गोलियां बरसा दी। फिलहाल महेश जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और अस्पताल में भर्ती है। नगर के एमएलए ने जो थाने जिले में खुद मुख्यमंत्री के डिस्ट्रिक्ट में आपस में जो टकराव हुआ और वो गोलीबारी चली, अब तो ये कानून सुव्यवस्था इस राज्य की खत्म हो चुकी है। कोई किसी के ऊपर धाक नहीं है। सरकार के भरोसे, पुलिस के भरोसे, सत्ता के भरोसे ये अभी कुछ भी करने को। अब थोड़ा महेश गायकवाड़ के बारे में भी जान लीजिए। ये शिंदे गुट वाली शिवसेना के स्थानीय अध्यक्ष हैं। ठाणे जिले के कल्याण डोमिवली इलाके में जमीनों की बढ़ती मांग और कीमतों के बीच गणपत और महेश के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई की असली वजह सियासी है। दरअसल महेश गायकवाड़ ने गणपत की विधानसभा सीट पर निगाहें लगा रखी है। स्थानीय भाजपा नेता का आरोप है कि महेश के ऊपर सांसद श्रीकांत शिंदे का हाथ है और इसी दम पर भाजपा विधायक गणपत से भिड़ते हैं। श्रीकांत शिंदे गुट के नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। गणपत और श्रीकांत में कई बार आमने सामने हो चुका है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और जग जाहिर भी है। लेकिन सवाल तो अभी यही है कि आप सत्ता के विधायक हैं तो थाने में घुसकर गोली मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।